तो ये तो हरियाणा का पंजाब का है नहीं, ये तो जब इलेक्शन हुए 2014 में तो उन्होंने अंबानी ग्रुप ने उन्होंने इतना पैसा इलेक्शन में लगाया था, उन्हें कुछ देने के लिए अभी तो सरकार को क्या थी बात, या तो है होगी थी जितने भी हाईवे है ये 500 मीटर होंगे 500 इंगे पूरे भारत में जितने भी हाईवे 500 मीटर हाईवे तो इंगे 500 इंगे वो देख लो कितनी बेतुकी जमीन उन पर चली जाती, उन्हें हुई थी क्या कहना है तो विरोध हो जाएगा इस बात का। ये गांव में जो सड़क पर इसमें हाईवे पर गांव है इनकी भी जो अहमत थी यह तो यह थी बातचीत कहने बिल्कुल यहां से सब जंगे को भी विदेश से आदमी आवे जा वे नु देखता कहना ओहो बहुत अच्छा भारत है भाई, उस 500 मीटर तो पर कुछ ही हो कुछ ही झुग भी झोंपड़ी हो कुछ ही हो। इस तरह सरकार की तानाशाही इतनी है या बात कुछ नहीं जो जिस बात को ये लेकर वो हो रही बातचीत तक भाई साहब हमने मानते हैं कुछ नहीं बात यह बात कुछ नहीं है, इनकी जीत है थारी स्वामी कोई बोल ना सके। आप लोगों की हिम्मत की हम सराहना करें, आप लोगों ने इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार करी, हम प्रधानमंत्री का सिर नीचा नहीं झुकाना चाहते, प्रधानमंत्री है भारत का बहुत बड़े देश का प्रधानमंत्री, पर इसके साथ साथ भाई किसानों का सिर तो किसानों का भी ऊंचा रहना चाहिए, सिर तो किसानों का भी ऊंचा रहना चाहिए। वे हर तरह रहता है, एक जी न्यूज चैनल था है थोड़ा इतना बड़ा 20-25 किलोमीटर लंबा तो वहां है जल्लू वो जो मैं चेक कर धरना प्रदर्शन हो रहा, और ये 10-12 किलोमीटर का गाजीपुर भी है हो रहा भी है, कुछ कह दिया होगा किसी ने पी पाया कि तो क्या ऐसी बात है, हम क्या उसका समर्थन थोड़ा ही कर रहे, उन्होंने कह दिया होगा तो मोदी की मीडिया और बस एकदम जो कुछ भी उस चैनल को खोल ले गलती पा दे दिया उस चैनल को खोल लो और बस बिना मतलब ऐसी वो फलाना भिकड़ा मुकड़ा पता नहीं क्या ऐसी बात हो रही, ना जाओ भाई ना दिखाओ सा क्या हमें कुछ ऐसी बात हो रही है वो ही चैनल हमें दिखाओगे भाई, तो बतेरे अखबार वाले भी बतेरी का एकदम सही जांच कर दो जाओ और ठीक है बात हो रहा। तो हम तो भाई आप लोगों को यही बात बतावे आपस के मन मुटाओ भुला के कुछ नहीं, इनका समय बहुत है, मारे बुजुर्ग धीरे धीरे मारे बीच में तो जान लग रही है, इन पता भी कुछ सीख लो, इन्हें बहुत बढ़िया तजर्बा है, अपनी बात उल्टी हटानी सीख लो, खास करके मैं आप लोगों को यहां भाई ठाण में क्या 99% जिस बिरादरी से हम ताल्लुक रखे मजबूरी है क्षेत्र की भाई, इस बिरादरी की ज्यादातर की भ्यासी है गांव भी जाट बिरादरी से ताल्लुक रखे, भाई इनमें भी सुधार की बहुत जरूरत है भाई, ढेर काम बिगड़ रहा भाई, आप लोगों को तो ढेर जगह सुधार करने पड़ेंगे, गांवों में भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार में भी हिस्सेदारी की आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग ना सब नोट देकर सरकार बना रखी, बजट ज्यादा वोट दी गई जी भी तो सरकार बन रही, और आप लोगों के साथ ही जायज तीर बरोबरी बांध रहे, हम लोग कह रहे अरे हमारे साथ में कहे की बरोबरी की बात है, अपना सरकार है उनकी सरकार अपना चलाओ, अच्छा किसानों की भी तो सुनो भाई, ये कहां जाओगे, ये सुरक्षा कर्मी हम लोग कह रहे हैं हथियार तो सरकारी है पर चलाने वाले तो हमारे ही है, थोड़ा ही चला देने भाई, तो बता हथियार ही तो सरकारी है, ये चला देने गोली मारे पे उन पर आई तो फेंक भाई, ये सुरक्षा कर्मी खड़े कर दिए कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा, वे भी खाना पीना वही खा रहे सब ठीक है, बहुत भाई उसमें कोई
कोई देख रहा उनकी रंग खास भी नहीं, कुछ भी नहीं पाते, सब पता है अपने आदमी, कोई गाजियाबाद के है, कोई बुलंदशहर के है, कोई कहीं के, सब उन्हें देखता नहीं, उनका परिवार है। एक ये जो सरकार ने जो भूटानी कुत्ते छोड़ रखे ने, ये भूटानी कुत्ते नहीं बस ये भी बोल लेंगे कुछ भी ठीक है, ये भूटानी कुत्ते छोड़ रखे तरह तरह की बात कह रहे, ये भी अपनी जुबान का लगाम लगावे। अगर हमने इनकी नो एंट्री करती नहीं भी तो किसी की अंगुरियाई सुरियाई नहीं करते, अगर इनकी कमल के फूल की नो एंट्री काम में होगी तो इन्हीं की सरकार में कैद कर देंगे हम, ये भी कुछ नहीं बात है, भी इनका सम्मान कर रहे हम, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई इनकी अंगुरियाई करते हो, पर ऐसी नहीं है भी अपनी जुबान लगाम लगावे, जुबान कर गलत सलत ना बोल रहे कह रहे वहां तो नकली किसान जा रहे कहां जा रहे नकली फसा से नहीं पाता होंगे सर नकली।